एक दिन उनका जो ड्राइवर था वो वीडियो चला रहा था, बहुत ज़्यादा देख रहा था, रील देख रहा था, तो मेरे हस्बैंड निकले बोले क्या तुम पूरा दिन देखते रहते हो, तो बोले ये तो बताया कि 26 साल का लड़का है और ये ऐसे से बताया, तो ये उससे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इनके थोड़े खुजली मच गई। तो ये वहाँ से 80 किलोमीटर है तो यहाँ पर आए, तो फिर हमने भी रील देखनी शुरू कर दी, तो हमको भी चस्का लगा, फिर हम लोग आए यहाँ पे, दर्शन किया और अर्जी लगाई और पेशी करनी जैसे ही शुरू करी तो पर्चा अभी तक नहीं बना है मेरा, लेकिन मेरे इतने काम हो रहे हैं कि आज मेरा 17वीं पेशी है मेरी अब की बार। तो मेरे जो जो चाहा था वो हमारे बच्चों के बारे में, मेरी जो अपनी खुद निजी इच्छा थी एक क्लब खोलने की वो खुल गया, इतनी अड़चने आई उसमें लेकिन बालाजी ने पार लगा। हर महीने ये होता है कि मेरा काम लगता है ये कैसे हो गए, लेकिन मतलब ये नहीं कहेंगे वो एक्स्ट्रा करते, लेकिन वो ऐसा कर देते मेरा वो काम सफल हो जाता है। इसलिए हम इतनी भीड़ में भी देख रहे हैं, कितनी भीड़ है यहाँ, सुबह से हम लोग भी लाइन में दर्शन के लिए लगे हुए सब होकर, गुरु जी के लिए कढ़ी चावल, उनको दही बड़ा बहुत पसंद है, तो हम घर से बना के लेके आए, सन्यासी बाबा से प्रार्थना की गुरु जी को दिलवा देना ये। मैम क्या नाम है? मेरा नाम वंदना मिश्रा। कहाँ से? कानपुर से। बागेश्वर धाम से आप कैसे जुड़े और कब जुड़े थे? बागेश्वर धाम मेरे हस्बैंड के थ्रू जुड़े थे, वो उनका यहीं पे इधर मौरानीपुर महोबा में हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है तो उनकी कंपनी है। तो एक दिन उनका जो ड्राइवर था वो वीडियो चला रहा था, बहुत ज़्यादा देख रहा था, रील देख रहा था, तो मेरे हस्बैंड निकले बोले क्या तुम पूरा दिन देखते रहते हो, तो बोले ये तो बताया कि 26 साल का लड़का है और ये ऐसे से बताया, तो ये उससे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इनके थोड़े खुजली मच गई। तो ये वहाँ से 80 किलोमीटर है तो यहाँ पर आए, तो इसके बारे में फिर इन्होंने हमें बताया, तो हमने कहा नहीं आप तो हमेशा कुछ ना कुछ बताते हैं। तो उसके बाद फिर हमने भी रील देखनी शुरू कर दी, तो हमको भी चस्का लगा, फिर हम लोग आए यहाँ पे, दर्शन किया और अर्जी लगाई और पेशी करनी जैसे ही शुरू करी, तो पर्चा अभी तक नहीं बना मेरा, लेकिन मेरे इतने काम हो रहे हैं कि आज मेरा 17वीं पेशी है मेरी अब की बार, कल शनिवार था, मेरी 17 पेशी हो चुकी हैं। तो मेरे जो जो चाहा था वो हमारे बच्चों के बारे में, मेरी जो अपनी खुद निजी इच्छा थी एक क्लब खोलने की वो खुल गया, इतनी अड़चने आई उसमें लेकिन बालाजी ने पार लगा। हर महीने ये होता है कि मेरा काम लगता है ये कैसे हो गए, लेकिन मतलब ये नहीं कहेंगे वो एक्स्ट्रा करते, लेकिन वो ऐसा कर देते मेरा वो काम सफल हो जाता है। इसलिए हम इतनी भीड़ में भी देख रहे हैं, कितनी भीड़ है यहाँ, सुबह से हम लोग भी लाइन में दर्शन के लिए लगे हुए सब हो जाता है, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे मेडिकल्स हुए। हम एक बार गुरु जी के लिए कढ़ी चावल, उनको दही बड़ा बहुत पसंद है, तो हम घर से बना के लेके आए, सन्यासी बाबा से प्रार्थना की गुरु जी को दिलवा देना ये, लेकिन मेरा मन बोला यहीं हम वहीं बैठ गए, जैसे बैठे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरु जी सो के उठे, गुरु जी आए, आप सब ऐसे है ना, मतलब हमने ऐसे उनको अपने हाथों से दिया। एक बार ऐसे बेसन के लड्डू लेके आए थे, 3 दिन रहे तो 3 दिन नहीं गुरु जी, उसके बाद फिर हम आखिरी दिन जाने लगे कि अब गुरु जी नहीं मिलेंगे, जा रहे तो बालाजी से कहने गए, शिकायत करने गए कि हम इतने प्यार से बना के लाए थे, वो पहली बार बना के लाए थे हम, तो मंदिर में बैठे उसके बाद देखा सब लोग मोबाइल लिए हुए दिखा रहे, तो हम भी आगे चले गए, तो हमने ऐसे आगे कर दिया डब्बा, हमने गुरु जी सामने से निकले, गुरु जी बेसन के लड्डू आपके लिए बना के लिए, उनके सेवादार ने हाथ में ऐसे कर दिया, फिर हमने गुरु जी आगे निकल गए, हमने कहा गुरु जी घर से बना के लाए हैं, तो गुरु जी कम से कम 20 कदम आगे चले गए थे और फिर वो पलट गए, पलट के 20 कदम वापस आके मेरे डब्बे पर ऐसे हाथ रख दिया। तो ये सब चमत्कार है, जब से आप जुड़े हो आपके काम बनने स्टार्ट हुए, सारे काम स्टार्ट, सब कुछ हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें हो रही जो हम चाहते थे, बस ये कि नियम का पालन करता है। दौरान आपने क्या क्या किया ताकि आपके काम बनने लगे? उस दौरान आपने क्या किया? जैसे हमारा एक न्यूट्रिशन क्लब है वो हमारा खुला, नहीं खुल रहा था, बहुत अड़चने थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी, वो हमारा खुद का खुल गया, तो जिससे उससे प्रोग्रेस हो रही है। हमारे बेटे की आवाज़ चली गई थी, 8 साल में वापस आई, तो ये गुरु जी की कृपा से अब वो एकदम सही है, पूजा पाठ उसको कोई कह ही नहीं सकता, पूजा पाठ करता है। कैसे चली गई थी? आवाज़ सर पर झूला लग गया था तो गिर गया था वो, तो दूर उछल के गिर गया था, तो उसकी आवाज़ चली गई थी, फिर 8 साल में वापस आई, फिर गुरुजी के चरणों में डाल दिया, तो इतने काम बनने लगे कि बता नहीं सकते। तो ये तो डॉक्टरी इलाज से सही हुआ होगा ना, ये ऐसे संभव थोड़े? गुरुजी की भभूति से मतलब 50% हुआ, गुरुजी की भभूति से, रामायण का पढ़वाने से, मतलब वो हम उसको बुलवाते तो रिपीट करता है, रामायण के 5 दोहे बुलवाने से जैसा गुरुजी ने बताया, और इन सब चीज़ों से आज आप उसको देख के कह नहीं सकते, उसने हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया, आपको पता है हाई स्कूल में तो कोई नकल भी नहीं होती है, अब वो इंटर करने जा रहा है, फर्स्ट ईयर वो इंटर करने जा रहा है। इस चीज़ को अंधविश्वास या कहता है कि ये वो यही लोग कह सकते हैं जिन्होंने इसको महसूस नहीं किया है, जो महसूस करेंगे अंधविश्वास है ही नहीं। क्यों
ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे साथ ही हमने बहुत लोग अपने साथ ही नहीं, हमने बहुत लोगों को देखा है, अपने बहुत सारे लोग, एक हम सिस मंडली से जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम की, वहाँ पे बहुत लोग हम लोग साथ जाते हैं, बस से साथ आते हैं, वहाँ सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं सारे, तो बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। तो जब आप पहले बार आए थे तो आपको बिलीव हुआ था कि नहीं? हमें बिल्कुल नहीं था, एकदम नहीं, हम तो हस्बैंड के जोर जबरदस्ती से आए थे। आपने क्या कहा था हस्बैंड को कि नहीं सही? हमने कहा नहीं, हमने कहा आप हमेशा कोई ना कोई गुरु, हमने कहा कहीं एक जगह तो रुकती, ये हमेशा कहीं कोई ना कोई नए ले आते, हमने कहा आपका यही ड्रामा रहता है। और फिर हमको भी लगा इतने छोटी सी उम्र क्या करते, वही जैसे सब वैसे ही होते होंगे, लेकिन जब शुरू किया तो क्या भैया, मतलब सच में वो बालाजी का स्वरूप है। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि जिसका पर्चा नहीं बना तो उसके काम नहीं होते, तो ऐसा कुछ है? होते हैं, मेरा तो पर्चा नहीं बना, मेरे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन नियम का पालन कर, आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा और पेशी देनी पड़ेगी, आप एक महीने में नहीं, दो महीने में, तीन महीने में नहीं, और रोज एक हनुमान चालीसा ओम बागेश्वर नमः की माला करते रहिए, तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। आपने अभी तक गुरुदीक्षा ली है कि नहीं ली? गुरुदीक्षा अभी हमको 5 तारीख को मिली है। तो गुरुदीक्षा के क्या नियम उन्होंने बताए? जो जैसे मंत्र दिया वो तो आपका पर्सनल है, लेकिन मतलब क्या क्या उन्होंने बोला, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या? जैसे कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मदिरा तो खाना नहीं है, और जीवन भर के लिए हमारे आराध्य बालाजी हैं और गुरुजी हैं हमारे, गुरुजी गुरु पूर्णिमा में बताया जरूर दर्शन करना, वैसे आप आ पाओ चाहे ना आ पाओ बालाजी के उनके, और बोला है कि हम लोग अब रामानंद फैमिली के हैं, गुरुजी की फैमिली के हैं, और यही प्याज लहसुन ये सब बताया, रोज चंदन लगाना, टीका लगाना है ये, क्योंकि अभी हमारा परिवार हो गया, इसके जो भी काम संकल्प होंगे उसके साथ जुड़ना है, बस ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे इंडिया में वैसे बहुत सारे बाबा हैं, आते ही रहते हैं हर साल, हर 5 साल बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद, इनमें क्या डिफरेंस है या और लोगों में क्या डिफरेंस है? क्या मतलब गुरु में? अरे ये गुरु, इनसे कहाँ आप किसी की बराबरी कर रहे हैं, ये गुरुजी, ये वो गुरुजी नहीं है जो 4 साल बाद आए, 1 साल आए कह के चले गए, ये तो चमत्कारी गुरु, ये साक्षात बालाजी का स्वरूप है, इन पर बालाजी की कृपा है, तभी तो आगे जो मन की बात कैसे जान जाते नहीं है? हनुमान जी के स्वरूप किसी को भगवान मत बनाइए, क्योंकि मतलब भगवान से तुलना नहीं, भगवान की नहीं, नहीं भगवान से तुलना नहीं, लेकिन जब वो पर्चा बनाते हैं तो कोई तो बोलता है, कोई शक्ति तो होती है ना, कोई आदर्श शक्ति तो है ना उनके पास, जो मन की बातें जान लेते हैं, कैसे जान लेते मन की बातें, लाइए आपके बैग में आप क्या लाई मेरे लिए, लाइए निकालिए, आपका ये सवाल था ये निकालिए। कुछ आपके साथ हुआ है कभी? हमारे साथ हो चुका है, कई बार हो चुका है, तो अभी जब अभी दीक्षा के समय कि आप बैग में क्या लाई है निकालिए, तो हम फोटो लेके गए थे बेटियों के, हमने दी उनको, उन्हें पता चल गया था कि वो पता चल गया, वो उनको सब पता रहता है। तो बागेश्वर धाम के तमाम जो करोड़ों भक्त हैं उनको लास्ट में आप क्या बोलना चाहते हो, क्या संदेश दें? हम यही कहेंगे कि अंधविश्वास में मत पड़िए, यहाँ आकर महसूस करिए, और यहाँ का महसूस करना है तो सबसे पहले अर्जी लगाइए और बालाजी के दर्शन करिए, पेशी शुरू करिए, नियम का पालन करिए, प्याज लहसुन बंद करिए, तो आपके काम जरूर सफल होंगे होंगे होंगे, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।